हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है तो एक बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाई है जो कि आपके साथ शेयर करेंगे कि इसको हमने किस तरह से बनाया है। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए हमारे किचन में और देखिए कि इसको हमने किस तरह से बनाया है। ये सब्जी बनने के बाद काफ़ी टेस्टी लगती है और साथ ही इसको चाहे आप पराठे के साथ, नान के साथ या फिर चावल के साथ खाएँगे तो ये काफ़ी टेस्टी लगेगी। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें कौन से इन्ग्रीडियंट्स जो हैं तो वो हमको यूज़ करने हैं। तो इधर पर हमने अदरक लिया है और साथ में ये बारीक कटी हुई प्याज, लहसुन और साथ में हरी मिर्च ली है। और इधर पर जो है तो धनिया पत्ती फ्रेश ली है जो कि थोड़ी ज़्यादा है, और 5 टमाटर हमने इधर पर लिए हैं। ये लहसुन है जिसको कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और लहसुन इसको लेके एक पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल लेना है और इसमें हरी मिर्च और साथ में प्याज डालेंगे। इस तरह से इसको डाल के जो है तो अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। और साथ में जो अदरक है तो उसको भी डाल लेंगे। अदरक करीब 2 इंच करीब का लिया था हमने और अदरक का टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा आता है। और इसके बाद जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हमारी प्याज वगैरह हो गई थी तो इसके बाद लहसुन और मिर्च पाउडर और साथ में हल्दी पाउडर का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और साथ में नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। इसके साथ जो हमने ये टमाटर लिए हैं तो इनको भी हमने दरदरा किया हुआ है, बारीक नहीं पीसा है। जब इस तरह की प्याज और इस तरह से आप टमाटर डालेंगे तो आपकी सब्ज़ी का जो टेक्सचर है तो वो काफ़ी अच्छा आता है। हमेशा याद रखिए कि यदि हम कट करके और प्याज वगैरह डालते हैं तो उसका टेक्सचर अलग आता है सब्ज़ी में, और यदि पीस के डालते हैं तो उसका अलग आता है। इधर पर टमाटर वगैरह अच्छे से फ्राई हो चुके थे तो इधर पर देखिए हमने सब्ज़ी डाली है, फ्रेश मटर, गोभी और साथ में आलू। गोभी थोड़ी सी बड़े साइज़ में काटना है जिसमें कि ये जो सब्ज़ी में घुल ना जाए पूरी तरह से या टूट के बिखर ना जाए। तो इस तरह से इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक हमको कम फ्लेम पे इसको इस तरह से भून लेना है। फिर इसके बाद इसको ढक देंगे और इसको पकने देंगे। बस इस तरह से सब्ज़ी जो है तो जब काफ़ी पक जाती है थोड़ी मतलब अच्छे से, तब फिर उसमें ढेर सारा धनिया पत्ती डालेंगे फ्रेश और फिर से इसको ढक के पका लेंगे जब ये पूरी अच्छी तरह से पक जाएगी। तो इसको ढक देना है और देखना है कि जब सब्ज़ी पूरी तरह से पक जाएगी। ये देखिए इधर पर सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक चुकी थी। अब इधर पर हम पानी डालेंगे, पानी थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ देता है और मेन इसका इंग्रेडिएंट्स जो है तो वो इसमें धनिया पत्ती और साथ में टमाटर है जिससे कि इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बस इसके बाद जो है तो पानी डालने के बाद इसको तेज फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट तक इसको उबाल लेंगे जिसमें कि पानी अच्छे से पक जाए। तो इस तरह से देखिए हमारी सब्ज़ी जो है तो बन के तैयार है। तो चलिए बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी आज की सब्ज़ी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।